और आए है बेकसीये इश्क पे रोना किसके घर जाएगा तूफान बना मेरे पास हे भाधा श्यामण दरां सीने दे विच मावण दरां मूं खोते गावण दरां हर चम जलाया क्या करम इंतहाई इज्जत एहतराम मेहर मरूबत मोहब्बत के काबिल हुजूर की बिला पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत क़िबला पीर अली सुहैल हसन गीलानी दामत बरकात कुमलालिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कुछ शरीफ मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मशायख उलमाए किराम मेज़बाना ने गिरामी जनाबे डॉक्टर गुलाम यासीन साहब जनाबे चौधरी फैयाज साहब खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम हजरत साहिबजादा अल्लामा मोहम्मद उमर उवैसी साहब बरादर हाफिज मोहम्मद अमीन साहब दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस हैरत में हूँ कि आप इतनी देर से इतने सारे खुतबात आपने सुने मेरा अंदाजा ये था कि आप आधे सो रहे होंगे और आधे अफसोस से रो रहे होंगे लेकिन मैं सच्ची बात है मुझे हैरत है कि रात का शुक्र है एक बजा है और आप मेरी आंखों को ये लग रहा है कि आप अभी भी तरोताजा मुझे हाफिज साहब ने भी फरमाया पहले मेरा जो सच्ची बात है आने को दिल नहीं कर रहा और अब एक पहेली मुझे इसी पे याद आई कि किसी फकीर ने सवाल किया था कि हीर रंझन नाल वासिल हो के फिर पछताणी क्यों हीर रंझन नाल वासिल हो के फिर पछताणी क्यों सब ने कहा फजूल सी बात है पछताने का मौका ही नहीं है वो पूछने वाला रोता रोता हजरत ख्वाजा अब्दुल हकीम के पास गया महरम असरार था फक्र का सरदार था और बजता हुआ अंदर का तार था इसको कहते हैं सुनिए सीने सोर फिराक दी तार आही माही हाथ लाया ओ वजद बस उस बंदे ने आके ठीक तार पे उंगली धरी लोगों ने जिस बात को फजूल कहा उसने उस इसको कहते हैं अरबी में इन नसहरा तक अलग अलग पता तक तीर ठीक निशाने ले जिससे पूछना था उससे पूछा
अगर गलत डोल में खत पड़ जाए तो खत मंजिल पे कभी नहीं पहुंचे। उसने उससे पूछा जिसके तार सलामत थे, कहा ख्वाजा साहब से कहा हुजूर बताए हीर रंजन लाल वासिल हो के फिर पछताए क्यों। उनकी आह निकली और आंखों से सावन के बदले रवा हो उठ के फकीर वजद में आया। फरमाया सवाल पूछ सुभान अल्लाह अफसोस करे जो रांझण बाज बिहानी क्यों। तो खुदा ना खास्ता बंदा बेजौ बद शौक लोगों के हत्थे चढ़ जाए तो आते हुए घबराता है, और अगर एक भी बंदा साहिब ज़ौक मिल जाए तो उसी मस्ती में सारी रात बिताता है। और मुझे भी कुछ नक्शा यही नजर आता है। अब उन्वान मेरे जिम्मे है। मैं बुजुर्ग गुजरे हैं हमारे, बहुत आलीशान बुजुर्ग थे। मैं उनकी खिदमत में गया, उन्होंने मुझे साथ बिठाया, खाना खा रहे थे। मैंने उनसे पूछा मैंने क्या कहना है, मेजबान से पूछना लाजिम है, मैंने क्या कहना है। उन्होंने मेरी तरफ देखे बगैर लुकमा हाथ में बेपरवाही से कहा कादरी साहब होया मसला सा। असल में जो आदमी रात के पिछले पहर से घर आता है वो डबल ड्यूटियां निभाता है। पहले सोने वालों को जगाता है, फिर दिमाग को तरोताजा करके कान के जरिए बात कलेजे तक पहुंचाता है। इसलिए ज़हन में रखें कि सोना नहीं है, क्योंकि सोना मर्द पर हराम है। और आप मर्द हैं, जिसको अपने बारे में शक नहीं वो जरा सोने से जरा अलग है। हमारी इसी धरती के एक बुजुर्ग ने उर्दू में कहा था, उन्होंने कहा था कि ना सोने से सोना ही बन गए अहले दिल। ना सोने से सोना ही बन गए अहले दिल, इसलिए सोता हूं मैं एक नौहा घर के पास। बगैर तबर्रुक खाए ये समझ नहीं आ रहा। ना सोने से सोना ही बन गए अहले दिल, इसलिए सोता हूं मैं एक नौहा घर के पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सोते हैं, जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। पंजाबी में कहते हैं सस्सी सुती तैयार गवाच। बड़े नुकसान सस्सी सुती तैयार गवाचा किथे तू भी सैना जामी।
एक फरीदी बुजुर्ग रत्ते रुमाल आले तुसी समझो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चोक पई चोक चोक लाहौर में होता तो तर्जमा करना पड़ रहा था आपको तो बगैर चोक के भी समझ आ जाएगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चोक पई ससी है तिल करूं पुनल बनायो से खेल करूं मंजिल जनो सुभान अल्लाह ओखे बाहर की पे हूं दिल दिल दर्द तू मानती नथी पर दे जिगर की मे हूं दिल वे सुन गुजर असनु न दर जुल को का इसलिए बात सीधी है औरों का बयान और है मेरा बयान और है दर्दमंद इश्क का तर्ज कलाम और मजबूरी है शहर जो लाहौर है इसलिए मैं आपको किसी बखेड़े में उलझाने के बजाय इत्तेफाक है मुझे भी बार बार कहा गया कि तू लंबे चौड़े फलसफे दे विच ना जावी तू भी ऐन शीन ते काफ दी गल सुना मैंने कहा ये तो मेरे मतलब की बात है और वैसे भी टाइम बिल्कुल लगा खा रहा है जब पिछली रात होती है रहमत की बरसात होती है फिर अहले दर्द की मुलाकात होती है आधी रात को दुनिया वाले जब ख्वाबों में खो जाते हैं ऐसे में मोहब्बत के रोगी यादों के चराग जलाते हैं सुभान अल्लाह ये अलग बात है मैं शुक्रगुजार हूं आज इस अजीम हसीन धरती जिसका नाम भी उच्च है और है भी उच्च इसमें कोई जरा भी शक नहीं ये अजमतों का मंबा सरजमीन है ये अजमतों का मखजन सरजमीन है और मुझे इसमें 100% यकीन है यहाँ जलवाए रहमतुल्लिल आलमीन है ये उच्च की सरजमीन है मैं पूरी बालिश ऊपर हो गया हूँ कि मैं उच्च में बैठा हूँ मैं उच्च में और उच्च भी गिलानिया मेरे रोज की निशानियां अल्लाह की मेहरबानियां पिछले छड़ दे वानिया जानिया तुहाड़ियां भी मेहरबानियां इसलिए और फिर मेरे लिए ये भी खुशबख्ती की निशानी है कि मेरे दाएं तरफ मर्द जीना नहीं है और ये वो ऐसी मुख्य निशानी है सुभान अल्लाह खतरा भी है कि आ गई जान शिकंजे अंदर जिवें बेल ने दे दे चिकन रो नु आखो अज रो मोहब्बत अज रवे ते मन अब जरा तकान टिकाए मैंने कहा ऐन शीन काफ ये पुरानी शय है हजरत मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब रोता हुआ मर गया अब वो रोता था वो कहता था अब अक्ल इल्म और साइंस ने तूफान उठाया हजरत इश्क ने मुंह छुपाया अब इल्म गली गली में नजर आया
ना उलमा की कमी है, ना प्रोफेसरों की कमी है, ना डॉक्टरों की कमी है, ना अहले इल्म की कमी है। कमी है तो बस उस चांद की जो तहे मजार चला गया। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ना इल्म की कमी है, ना साइंस की कमी है, ना टेक्नोलॉजी की कमी है, ना इदारों की कमी है। कमी एक शय की है, उसका नाम दर्द है। उसका नाम दर्द है। आज दर्द की भट्टियां दर्द के चूल्हे ठंडे हो गए। चिंगारियां बुझ गई, रात हो गई, खाक उड़ रही है। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रोता था, वो कहता था, शबे पेशे खुदा गिरीस्तम गाज़ा। इकबाल कहता, एक रात थी मेरी आंखों से आंसू की बरसात, मैं अल्लाह के हुजूर बहुत रोया, गिरीस्तम गाज़ा। मैंने फरियाद की, मेरे रब मुसलमानों की बता जिल्लत का सबब, हम कसरत में होके जलील हुए। सोना चांदी तेल हमारे पास, लेकिन हम जलील क्यों हैं, ख्वार क्यों हैं, बेआबरू क्यों हैं। इकबाल कहता है, निदामत, ये अनपढ़ नहीं है, ये इल्म का पैकर आदमी है। कहते हैं, निदामत नमी दानी आवाज आई, ओ इकबाल तुझे भी पता नहीं है कि ई कौम, ये जो कौम जलील हो गई, इस कौम की जिल्लत की वजह तुझे बता दूं। दिले दारम महबूबे नदार, इनके पहन में दिल है दर्द नहीं, आंख है नम नहीं, सीना है अलम नहीं, वजूद है नम नहीं। मदरसों से लेकर कालेजों से होकर अवाम तक सीने दर्द खाली है। इसीलिए अगर और समझ ना आए तो ये जो कोट मिठन शरीफ, यहां एक मर्द वक्त का बायजीद था, नाम गुलाम फरीद था। वो रोता था, वो कहता था कि इश्क है टुकड़े दिल की शादी। झूठ बोलो, इश्क है टुकड़े दिल की शादी, इश्क है राहबर मुर्शिद हादी, इश्क असादा पीर। आज आप दुनिया में जाने, अल्लामा इकबाल कहते थे, यूरोप में मगरब में इल्म है, अकल है, साइंस है, दो चीजें नहीं, ना इश्क है ना ईमान है। उनके पास इश्क नहीं, ईमान नहीं, हमारे पास क्या करें, हमारे यहां मामला उलट हो गया। मैं बगैर लगी लिपटी के रद्द और कथा के कह रहा हूं कि जिस मिंबर पे मैं बैठा हूं, यहां भी ढूंढे से कोई साहिब दर्द। तीर चलाने वाले बहुत आते हैं, एक दूसरे के सीनों को घायल करके निकल जाते हैं, लेकिन वो शायद कोई और थी। एक बंदा आता था, तनहा तशरीफ लाता था, जब दुनिया से जाता था तो 90 लाख बंदा कलमा पढ़ता नजर आता था।
अब तो ये कहानियां लगती है। हालांकि ये सच्चाई है, ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये उसी दर्द की निशानी है। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत यहया बुनियादी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते थे लोगों तुम्हें पता है इस पूरी खुदा की बस्ती बस में हस्ती की कदर कीमत किसके वजूद से है, इस पूरी कायनात की कदर कीमत किसके वजूद से है। लोग सोच में पड़ गए, उन्होंने फरमाया इंसान के दम से, इंसान के दम से अल्लाह की बस्ती में रौनक है। अगर जन्नत हो जन्नत में रहने वाला ना हो, अंगूर हो खाने वाला ना हो, खुशबू हो सूंघने वाला ना हो, खजूर हो बरताने वाला, क्या करेगी खजूर किस लिए पकी हूर, ये सारा कुछ किसके के लिए है, इस पूरी कायनात की कदरों की मत किसके लिए है। फरमाया इंसान के दम से, तो फिर फरमाया इंसान की कदरों की मत किस से है। बुजुर्ग ने कहा दिल से, दिल ना हो पूरा वजूद हो, आंख होगी अंधी, हाथ होगा लूला, पांव होगा लंगड़ा, किस वजह से दिल नहीं है। इंसान की कीमत दिल से, फिर पूछा फिर मैं दिल की कीमत किस से, जवाब आया दिल की कीमत दर्द से। इंसान ना हो कायनात खाली, इंसान हो दिल ना हो इंसान खाली, दिल हो दर्द ना हो दिल खाली। नतीजा क्या निकला, फरमाया पूरी कायनात का असल मरकज दर्द है। जिसे मोहब्बत कहते हो, जिसे इश्क कहते हो, अगर ये मोहब्बत न होती न मीलाद मनाया जाता, न मेराज मनाया जाता, न कोई किसी को जमीन से ऊपर बुलाता, न कोई चेहरे से निकाब उठाता, न कोई किसी को गले लगाता। ये सारी रौनक इश्क से है, ये सारी रौनक प्यार से है, ये सारी रौनक मोहब्बत से है। मेरे सोने नबी ने क्यों फरमाया, फरमाया लोगों खबरदार होके सुनो, उस बंदे के ईमान का इतबार नहीं जिसके सीने में प्यार। और ये जो मेराज है, ये जो कायनात पर मेरे नबी का राज है, ये असल में कहानी मोहब्बत की है। ये मेराज की जो शब है, आप तशरीफ लाए मैं हाजिर हुआ, तीसरा दिन है लोग आ रहे हैं, सुनाने वाले सुना रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, मोती रहमत के चुन रहे हैं। ये मोहब्बत न होती कौन अपनी नींद कुर्बान करता, कौन दीवाना बनता, ये सारी कहानी मोहब्बत की है। अब थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, जब सरकार को रब ने बुलाया, ये सही हदीस है, जब मेरा नबी पहले आसमान पे आया, पहले आसमान पे आया, जिब्रील ने आसमान का दरवाजा खटखटाया और आगे से आवाज आई मन कौन कौन, जिब्रील ने कहा जिब्रील फिर आपके साथ कौन, जिब्रील ने सरकार का नाम लिया। तीसरा अजीब सवाल, कहा आप आए हैं या बुलाए गए हैं, जी खुद आए हैं या बुलाए गए, आप आए नहीं बुलाए गए हैं, दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया। यहां पर फुकरा सूफिया
लगे हदीस ठीक है, सवाल समझ में नहीं आते, सवाल समझ में नहीं आते। ये हो सकता है कि गिलानी साहब वहां तशरीफ लाए, इनके साथ और मेहमान भी आए और डॉक्टर साहब जाके दरवाजे पे खड़े हो जाए और कहे कौन, बताया जाए ये गिलानी साहब है, ये ओवैसी साहब है। फिर पूछे ये सात पगड़ी वाले कौन, फिर बताए, फिर कहे आप आए हैं या बुलाए गए हैं, आप मुझे ये बताइए आगे आएंगे या पीछे जाएंगे। पीछे जाएंगे कि इश्तिहार छपवाते हो, दावते फरमाते हो, घर पे बुलाते हो और जब सामने आ जाए पहचानने से मुनकर हो जाते हैं। जब खुद बुलाया है मेहमान और मेहमान भी आम नहीं मेहमान था, जब दरवाजे पे आया डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, अमीन साहब, ये क्या सवाल हुआ, कौन हो, साथ कौन है, आप आए हो या बिन बुलाए आए हो। उलमा से पूछा, एक एक का कुंडा खड़काया, कहीं से जवाब ना आया। एक साहिब दर्द था, हदीस की दुनिया का मर्द था, उसने कहा मैं बताता हूं, मैं बताता हूं कि मामला क्या हुआ। कहा महबूब को रब ने बुलाया और जब महबूब अपने काफले के साथ पहले आसमान पे आया, जिब्रील ने पहले बताया अलर्ट हो जाओ मेराज की रात है, रहमत की बरसात है, आज दो करीमों की मुलाकात है। वो फरिश्ते जिनके सीने में दर्द नहीं, फरिश्ते इश्क से खाली है, फरिश्ते दर्द से खाली है। ये दर्द सिर्फ बंदों को रब ने दिया, ये बंदे ही हैं जिनके सीने में दर्द भी है, जिनके सीने में प्यार भी है, जिनके सीने में इश्क भी है। ये इंसान का सीना है जिनके सीने में दर्द नहीं, जिनके सीने में प्यार नहीं। आज उनको पता चला खुदा का महबूब आ रहा है, बुलंदी पे जा रहा है, फरिश्तों के सीने में दर्द ज्यादा, इश्क की भट्टियां सुलगने लगी। पहली मरतबा फरिश्तों में दर्द पैदा हुआ और फरियाद करने लगे खुदाया करम फरमाया, आज तेरा यार मेरा प्यारा, आज करम फरमा, हक नहीं रखते रोकने का, बेअदबी है अगर हम रोके, लेकिन मजबूर हैं हम भी सीने में रखते सुरु, आज करम फरमा इजाजत दे, जब तेरा महबूब आएगा दरवाजे बंद करेंगे और रोक देंगे, रोक के पूछेंगे कौन, कौन। फरिश्तों ये क्यों पूछोगे कि कौन, कहा हो सकता है कि तेरा महबूब बोल पड़े, बोल पड़े। हम देखना चाहते हैं कि तेरा यार बोलता कैसे है। नारे तकबीर अल्लाह, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जाने मुस्तफा। आप ये बात को समझ के फरिश्तों के सीने में इश्क नहीं है, लेकिन हुजूर जो गुजरे दर्द भी आया। यहां पर अल्लामा इकबाल कहते हैं, कहते हैं ये मेरे नबी का फैजान है, मेरा नबी सूखी लकड़ी से गुजर जाए, सूखी लकड़ियों में इश्क समा,
दे, पत्थर में दर्द का सरमाया आता है। आज मेरा नबी आसमान पे आया, आसमान वालों ने नारा लगाया, मौला रोकेंगे क्यों, बहाना बनाएंगे, जब वो आसमान पे आएंगे हम दरवाजा बंद कर करके मानो क्यों, कहा हम देखना चाहेंगे कि वो हूट कैसे खोलता है, वो मुंह से लफ्ज कैसे बोलता, उसके होंठ से लफ्ज कैसे निकलते हैं, मम्मा ये क्यों कहोगे, कहा हम इसलिए कहेंगे हो सकता है तेरा महबूब खुद बोल के कह दे, आना मोहम्मद हम देखना चाहेंगे कि वो अपना नाम कैसे लेता है। पहली बात बोलता कैसे है, दूसरी बात कि अपना नाम कैसे लेता है। आज कोई बंदा कहे मोहम्मद, सुभान अल्लाह मोहम्मद, जब मोहम्मद का लफ्ज होंठों पे आता है दिल धड़कने लगा, धड़कने लग जाता है। मेरी अपनी आग पीती है, मैं इंग्लैंड का एक शहर है न्यूपोर्ट, असर के बाद मैं वहां तकरीर कर रहा था, इत्तेफाक मेराज के मौजूद था, असर के बाद न्यूपोर्ट वो एक रियासत है ये यूके के, उसमें भी शहर है न्यूपोर्ट, मैं तकरीर कर रहा था, एक लंबा तड़ंगा अंग्रेज गोरा आया, पहले मस्जिद के दरवाजे पे ऐसे देखता रहा, देखने के बाद जूता उतारा अंदर आ गया, अंदर आके ऐसे झटके लिए सुनता रहा। अब मैं उर्दू में गुफ्तगू कर रहा था, उसकी बोली इंग्लिश थी, जब तकरीर खत्म हुई आगे आया और हमारे मस्जिद के सदर को कहा मैं तुम्हारे प्रीस्ट के सीने से लगना चाहता हूं, उसने कहा वजह बता, रीजन बता क्यों, उसने कहा, उसने कहा तुझे इसकी गुफ्तगू समझ आई है, हमारे परिस्थिति की समझ आई है, उसने कहा एक लफ्ज भी समझ नहीं आया, समझ तुझे भी कुछ नहीं आया फिर सीने से क्यों लगना चाहता है, उसने कहा और कुछ नहीं समझ आया पर जब ये मोहम्मद करता था मेरा दिल मेरे सीने में रक्स करता था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब इसके मुंह से निकलता था मोहम्मद मेरा तेरे मेरे सीने में नाचना शुरू कर देता था, इसलिए मैं मस्जिद में आ गया कि मैं फिर सुनूं मोहम्मद, मैं फिर सुनूं मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के सिवा कुछ समझ नहीं आ, मैंने कहा हाय काश कि हमें मोहम्मद समझ में आ, मोहम्मद करेंगे गुजर गए, लोग इसे मजाक उड़ाते होंगे कि ये क्या हुआ मोहम्मद मोहम्मद करेंगे गुजर गए, आहत नाल अहमद मिले गुजर गए मोहम्मद मोहम्मद, एक गुनहगार खान मोहम्मद कादरी के मुंह से हुजूर का नाम निकले, एक गोरा ईसाई कहे मेरे सीने से मेरा दिल नाचता है, जब लफ्ज मोहम्मद किसी दूसरे के होंठों पे आता है तो जिसका सीना ईसाई का है उसका सीने में दिल रक्स करता है, तो जब मोहम्मद का नाम आएगा तो आसमान का फरिश्ता क्यों वाजिद में नहीं आए, जा रहे हैं ये रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, किस लिए कि देखे तो सही सोना है कैसा, सोने के मुंह से लफ्ज कैसे निकलते हैं, सोना अपना नाम मोहम्मद कैसे लेता है, मेरे बंदे शकर फरीद की चीखें निकल
फरिश्ते छुट्टी नहीं करते, फरिश्तों की फितरत में छुट्टी नहीं है। लेकिन जब मेराज की रात थी और मेरे रसूल की मेरे रब से मुलाकात थी तो फरिश्तों की दुनिया में खलबली मची है। मौला आज तक छुट्टी नहीं मांगी, न दाए गए न बाए गए, जहां तुमने कहा डटे रहे। पर आज छुट्टी दे, किधर जाओगे, कहां जाओगे? ये उच्च की रजबी नहीं है, ये आसमान की रजबी है। यहां आप हैं, हम हैं, हम तो सीने में रखते हम है, लेकिन वहां हम कम है। लेकिन फरिश्ते कह रहे हैं, मौला इजाजत दे, किधर जाओगे? कहा तेरा महबूब सिदरा से गुजर रहा है, हम सिदरा पे ठिकाना बनाएंगे, करोगे क्या? कहा जरू नबी ये तेरे महबूब का दीदार करेंगे, अपने बेड़े पार करेंगे। आप जरा मेराज को पेशे नजर रखें, ये फरिश्तों के अंदर बेचैनियां, ये बेकरारियां, महबूब के देखने के लिए तैयारियां, ये इश्क नहीं तो क्या, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? कि फरिश्ते भी बेकरार हैं, फरिश्ते भी बेचैन हैं, कि महबूब और फिर रब खुद इस यक्ष सिदरा का मा यक्षा। दूसरी तफसीर ये है, यक्षा अनवारुल्लाह। मैं एक फकीर सा बंदा, मैं आया तो डॉक्टर साहब ने, साथियों ने यहां मेरा इस्तकबाल फरमाया और हार उठाकर मेरे गले में लटकाया। ये इन्हें ख्याल क्यों आया? इन्होंने कहा, तू जैसा भी है तू मेहमान है, और उच्च हमारा जहान है, उच्च हमारा हमारी बस्ती हमारा जहान है, हम इस्तकबाल यूं करते हैं, आने वाले के गले में हार डालते हैं, और अगर कोई और आए फूल डाल देंगे। मेरे हजूर जब सिदरा पे पहुंचे, सिदरा सरहद है, और अल्लाह ने कहा फूल क्या शय है, कहां फूल, कहां मेरा रसूल, कहां ये
मैं इकरार करता हूँ रात का पिछला पहर है नींद की लहर है। मैं भी मजबूर हूँ, आप भी मजबूर हैं, लेकिन जरा ज़हन में रखें कि अल्लाह ने एक फूल नहीं डाला। जरा इस ज़ाविया नजर से देखो कि एक झलक डाली थी मूसा पर नहीं पहाड़ पर। हाय हाय, यहां गलती थोड़ी सी हुई हमसे, हमने ये आपको बता दिया कि पहाड़ पर झलक पड़ी, बस जलालत से पहाड़ का सीना फट गया, बस इतना बता दिया। ये भी हमसे गलती हुई कि मूसा अलैहि सलाम पहाड़ को देख रहे थे, बेहोश होके गिर गए, होश ना रहा। अगली बात हम बताना भूल गए। असल बात ये नहीं थी कि वो जलालत की वजह से फट गया, बस नहीं, मौलाना रूम ने पर्दा उठाया, फरमाया अल्लामा साहब तुम्हें समझ नहीं आया, इसलिए तुमने ठीक नहीं बताया। फरमाया सिर्फ जलालत का इजहार था, बल्कि तूर मस्त सुई के नक्के से छोटी तजल्ली पहाड़ पे पड़ी और पहाड़ वाजिद में आया, बस्ती में आया। उसने कहा बाप दाया कोहे अंबाला भी था, केतु की चोटियां भी थी, वो बिचारी महरूम है और मैं जल में ले रहा हूं। पहाड़ मस्ती में झूमा, अब मस्ती में आके मस्ती में आए तो करे चाक करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, लेकिन वो मस्ती में आया अपना करे चाक या तामने यजता चाक, उसने अपने सीने के अपने कपड़े फाड़े टोटे हुए पहाड़ के। अब जो जलने वाली जगह देख रहा था उसको फिर मस्ती चढ़ी, उसने कहा रिफ्लेक्शन हुई, अक्स पड़ा, तजल्ली का अक्स पड़ा, वक्त में आए मूसा, मस्ती में आए मूसा, मस्ती में आके गिरे मूसा। मस्ती जितना गहरी है केश भी उतनी लंबी है। पहाड़ मस्त, पहाड़ मस्त, कलीम मस्त, नमीला उर्दू है नहीं है फारसी, लेकिन है बिल्कुल हसबे हाल। एक झलक वो भी रबूबियत की, और ये समझे हम और आप पल रहे हैं रबूबियत के जोर पर। हम हर लहजा पीते हैं तो रबूबियत का जलवा, खाते हैं तो रबूबियत का जलवा, अब्बा उंगली लगाता है तो रबूबियत का जलवा, माँ दूध पिलाती है तो रबूबियत का जलवा, हर वक्त रबूबियत के जलवे हमारे साथ हैं। पर एक झलक पड़ी, पहाड़ वक्त में फट रहा, कट रहा है, मूसा बेहोश है और भूख गया जोश है, लेकिन सदके तेरे मदनी मेरे सिमरा के तेरे वहां पे तेरे, फिर रबूबियत की तजल्ली नहीं, यकशाह अनवार अल्लाह, अल्लाह के होश के जलवों की बारिश हो रही है। ना सिदरा जलजले में आता है, ना मोहम्मद अबरी मोहम्मद अरबी घबराता है, यहां से मोहम्मद अरबी का मकाम समझ में आता है कि ये सब नबियों का दाता है। इस आयत से मुत्तसिल आयत कौन सी है?
अब सब इस यक्ष सिदरा का मा यक्ष आगे है मा सागल बासारो बमा तगा, ये बोल रहा है खुदा। मौलवी गुलाम मुज्तबा ये बोल रहा है, पहले का इस यक्ष सिदरा का मा, पहले अनवार तजल्लियात की बारिश, लेकिन एक जलवे ने मूसा को बेहुद किया और तू ला मकाम पे भी एक निगाह किसी को देखा ये मूसा से पूछे कोई आंख वालों की हिम्मत पे अनवार की बारिश, अनवार की हौसले इलाही की बारिश, लेकिन ज़र्फ इतना बड़ा है, सकून से तेरा मोहम्मद खड़ा है, नशा जहां पहाड़ों को चढ़ा है, एक बशर कैसे कायम खड़ा है। ये जरा सोचने की बात है, लेकिन यही मुत्तसिल आयत आ गई मा ज़ाहल बशर वमा तगा, इसका इस आयत से क्या जोड़ है, क्या मिलाप है? मिलाप तो है पहले डाले जलवे, पहले डाली सारी सिफात की सारी तजल्लियां, लेकिन जब यार नहीं डगमगाया रब ने फिर ऊपर बुलाया, काना काबा कौसैन जरा काना काबा कौसैन आया। हजूर सूफिया कहते हैं ये फलाए ताम है, ये फलाए ताम है काबा। इसकी दो तफसीरें हैं, काबा कौसैन, एक कौस ये है, एक कौस ये है, और ये नुकरे। अब रब और रसूल कितने करीब हुए, कहा काबा कौसैन, जितने ये दो अबरू है। दूसरी तफसीर ये है कि ये एक कौस है, ये एक कौस है, तमाम जब दो बादशाह आपस में सुलह करते हैं, एक दूसरे में समाते एक हो जाते, फिर एक की कमान लाई जाती, दूसरे की कमान लाई जाती, ये लोग ऐसे करके मिलाई जाती, जो तेरा वो मेरा, मैं तेरा दुश्मन तेरा दुश्मन, आज के बाद तेरे मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, तेरी बोली मैं बोलूंगा, मेरी बोली तू बोलेगा, काना काबा। हमारी तो हवालियां यहीं पे उड़ रही थी, खुदा ने आगे बोल दिया आओ आओ आओ, कमाना है बल, बल कहते हैं बल के अदना। अब मुझे कुछ शरीफ वाले ऊंचे लोगों मुझे ये बताओ, जब इतने करीब हो गए, अब कुरान है, रिवायत होती तो मौलवी साहब डंडी मार सकते थे कि ज़ईफ है, हसन है, गरीब है, लेकिन मामला बड़ा अजीब है, फंस गया मौलवी हबीब है, क्योंकि ये अल्लाह का कुरान है, इसमें ये तावील नहीं हो रही। काबा कौसैन, आगे कहा आओ अदना, इतने करीब, कहा बल के इससे भी करीब। अब कोई जोर लगाए, हमें तो घुटने टेक के चढ़ के कहते हैं, ये सुन्नी बड़े अजीब है, हर रजबी पे नबी को खुदा से मिला देते हैं, हर रजबी पे, हर जलसे पे। मैं पूछ सकता हूँ मौलाना बफजले औलाना, और असा मिलाया है या उन्हें आप करम फरमाया है? आप अपने सीने पे जरा हाथ धरे, हमने मिलाया काना काबा कौसैन, हमने मिलाया। वो
उसने खुद बुलाया, उसने सदिया नहीं भिजवाया। हाय हाय, जरा समझे। उसने बुलाने के कई तरीके होते हैं। एक होता है खत लिख के कहना आओ, एक होता है कासिद भेजना, कासिद मीठा मिसरियां के सामने नन मनाई में मन मते आए बाबा की सरकार को राहू मनाई में मन मते आए, या कासिद भेजना। तीसरा तरीका ये होता है टेलीफोन करना डायरेक्ट आओ। चौथा तरीका ये है ड्राइवर के साथ गाड़ी भेजो लाओ। पांचवा लास्ट फाइनल कमाल तरीका ये है कि कोई न जाए, खुद मेजबान आए, आके बाजू में हाथ डाले आओ मेरे साथ चलो। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे खिलाफत हक अल्लाह, नारे हैदरी जिंदाबाद। थोड़ी थोड़ी ग्रामर तो सबको आती है अरबी की। रब ने ये नहीं कहा कि ये भी हम आपको बता नहीं पाते, हम अधूरा रह जाते, अधूरी कर जाते हैं बात कि हुजूर को रब ने सैर कराई। यहां है असरा बेअब्दे, सरा अब्दहू नहीं है, असरा बेअब्दे। ये बेजर बे जो है ये इंडिकेटर है। इसका माना ये है कि नबी ना खुद सैर पे किया, ना नबी को रब ने सैर पे बुलाया, बल्कि पाक है वो जात जो खुद लेके गई अपने बंदे को सैर पर। ये माना है कि पाक है वो जात जिन्हें इंज की बुला का, ना उसने खत भिजवाया, ना कासिद भिजवाया, बल्कि असरा खुद सैर पे ले गया। अब कहते हैं जी ये भारी चीज बड़ी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम बताना है। माली दा कम पानी देना, घर घर मछका पावे, ते मालिक दा कम फल फूल लाना, ओ लावे या ना लावे। ये इश्क है, ये प्यार है, प्यार कितना गहरा है, मेराज भी उतना गहरा है। यार को खुद, और इसीलिए फलसफियों के भी मान टूट गए, साइंस वालों की भी, उनके भी मामले ढीले पड़ गए। वो भी कह रहे थे कि नबी अगर ऊपर गया है तो बशरियत तो ऊपर जा नहीं सकती, फिर नबी ऊपर गया है तो आगे तो सूरज है, और सूरज में कितनी हरारत आग है, 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड आग है सूरज में। नबी 90 पे चला जाए ना पानी, 90 डिग्री पे तो खौलता है, और यहाँ किस डिग्री पे है, 1,40,00,000 डिग्री पे। ये सूरज जो नेड़े है 9,00,00,000 मील के फासले पर, इसमें इतनी आग, भाग रे दुनिया भाग, पर नबी यहाँ से कैसे गए झाग। तू तो बेचारा सूरज के चक्कर में फंसा है हजरत साहब, आगे सुन, मोती है चुन फिर सर को धुन। पहले आसमानों की वादियों में 600 अरब वोल्टेज बिजली पड़ी है, यहां से कोई कैसे गुजरेगा। रब ने कहा क्यों नहीं गुजरेगा, ये बिजली मैंने बनाई है या तुमने बनाई है। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, फरमाया तू मजबूर है, मैं मजबूर नहीं, मैं अपने यार को खुद लेके जा रहा हूं। क्या रोकेगा सूरज, क्या रोकेगी बिजली, क्या रोकेगा आसमान। मैं हूं मेजबान, वो है मेरा मेहमान, सारी कायनात उसके कदमों पे कुर्बान। मैं कह रहा था ये मोहब्बत है, ये क्या है, ये मोहब्बत है कि इस यक्ष सिदरा ता मा यक्षा, आगे मुत्तसिल है माजा गल बासर समा तगा। ये है क्या, मैं जब इतना काना काबा को
हुसैन आओ अदना इतने करीब या इतने करीब इतने करीब आगे कहा औ अदना बल्कि इससे भी ज्यादा करीब। एक फकीर गुजरे हैं हजरत मियां मोहम्मद बख्श सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो कुरान है, अब उनका बयान तो कहते हैं जानी नाल मिले दिल जानी जानी नाल मिले दिल जानी ते वेथ ना रिहा जर्रा सुभान अल्लाह वेथ ना रिहा जर्रा खिला अदिए तोहफे लेके आए फेर मुकर्रा इतना भी व्यर्थ नहीं रही इतना कुर्ब पाया जब महबूब इस कुर्ब की कमाल मंजिल पे आया। अल्लामा सुलेमान नदवी उलमाए दियोबंद कहा ने वो कहते हैं शाहिद मस्तूर अजल ने सारे निकाह सारे निकाह। अब जरा आप सोचे एक तरफ रबूबियत की तजल्ली पड़ी और कलीमुल्लाह मस्ती बेहोश एक तरफ रब सारे करते हो चुके और हुजूर ने जो रब की जियारत की यही मेरा इंतहा है। जब रब की जियारत की तो यहाँ एक अहले हदीस आलिम अल्लामा सलमान मंसूर पुरी वो कहते हैं कि उसने अजल कमाल कुव्वत व नज़ारा के साथ मुतवज्जेह नुमाइश था। जैसे हम कहते हैं ना सज धज के रब सज धज के अपने महबूब के सामने आया उसने कहा आज मेरा दिल करता है मैं दिखाऊं कि मैं कैसा हूं। देखने वाले ने कहा मेरा भी दिल करता है कि मैं दीद करूं कि तू कैसा है। मंजिल बड़ी मुश्किल थी कि खुद उसने अदा किया। मौलाना मोहम्मद यार कहते हैं उसने अदा कर नाथ वल विच हर हर अदा लगते मिठे उस मालिक जिसकी एक झलक जिब्रील सह सकता है। हमारे दोस्त हमें धोखा देते हैं कहते हैं जी नूर तुम नबी को कहते हो नूर जो होता है वो तो जूनियर होता है बशर सीनियर है बशर आगे निकलता है। हमने कहा धांधली न करो न बशर जा सकता है न कोई नूर जा सकता है बस तेरा हुजूर जा सकता है। ये धोखा दे रहे हो ये नबी की नूरानियत पे थप्पड़ लगाना चाहते हो ना लगाओ ना नूर की ताकत ना बशर की ताकत ये है मोहम्मद की नजर की ताकत। अगर हर बशर जाता तो कलीमुल्लाह बेहोश ना होते अगर नूर जाता तो सिदरा पे जिब्रील। जब महबूब ने फरमाया जब मुझे मुखलिस पाया उठूं ते मेरे नाल आया सौखा वेला मेरे साथ लगाया औखा वेला आया तू क्यों घबराया हिम्मत कर थोड़ा जा उत्ते चढ़। उसने आगे से कहा ना लो तनो तो अन्न लतन ला तरक्को मैं नूर हूं पर मेरा नूर और है उसका नूर और है मैं जल जाऊंगा मैं सड़ जाऊंगा। अल्लामा इस्माइल हकी कहते हैं मेरे हजूर जेरे लब गोया मुस्कराए फरमाया तू तो नहीं जा सकता पर हमें जाना होगा लेकिन जिब्रील जिब्रील कोई जरूरत है ते दस नहीं समझ आई जिब्रील कोई काम आई देते आज मेरे जैसों को जवाब मिल गया जो कहते थे हजूर तो वही पे काम करते थे वही वाला आता था बताता
होता था, आज वाही वाला तो यहां खड़ा है, महबूब तो ऊपर चढ़ा है। महबूब फरमा रहे हैं कोई गल है ते दस, सारे नु तू अपना दा रहे हैं, तेरी गल असी अपना मां। सुभान बोल। उसने ये नहीं कहा कि की होया जो एक दिन तुसी उत्ते चले गए, नहीं, उसने कहा करम फरमा एक आरजू है मनवा, एक हसरत ले जा। कहा क्या? कहा क्यामत का दिन जब आए, पुल सिरात दोजख पे लग जाए, अब तेरी उम्मत खुश किस्मत आए, रब मेरे पर पुल बनाए, और फिर तेरा गुनहगार उम्मती अपने मैले पैर रख के महले खिराम हो, लब पे तेरा नाम हो, होंठों पे दरूद ओ सलाम हो, और कुछ गरीब का यही काम हो। समझे हो, मेराज है हमारा भी हिस्सा आज है, वाह विखानिया मैं तेरे नाम उतू, नहीं ते कौन कमी नीनू जानदा सी, वाह विखानिया मैं तेरे नाम उतू, नहीं ते कौन कमी नीनू जानदा सी, मेरे गल पट्टा तेरे नाम वाला, तेरे नाम नु जग सुजानदा सी, तेरा नाम लेके लग पार वैसा मैनु आसरा तेरी शान दा सी, लगा जो भाग कमीनी नु है दर, सारा फैज महबूब सुभान दा सी। जिब्रील जिब्रील हिम्मत कर ऊपर चढ़, ऊपर चढ़, उसने कहा ना मैं मर जाऊंगा, पता क्या चला, ना बशर जा सकता है ना नूर, जो मेरे हुजूर ना बशर ना नूर, सारे रह गए दूर, लेकिन हुजूर ने कितनी देर लगाई थल मारूंगा, पैंडा सारा नारे तकबीर अल्लाह, की चीज है जी, मैं जगह पे तकरीर करा तो मैंने इसको जोर दे के कहा ना एक बिलहांग, वहां ऐसा जो साहब ड्यूटी दे रहे थे भागे हुए आए, आके मुझे वो वजीफा भी दिया 500, कहने लगे एक बिलहांग वाला की थल पारूदा पैंडा सारा। आइंस्टाइन ने कहा था तबसरा करते हुए, उसने कहा नबी अगर नूर में कन्वर्ट हो जाए और फिर जाए और आए, 6 अरब नूरी साल का वक्त चाहिए। अल्लामा इकबाल ने छाती तान ली, कहा फिर सुन, तेरी साइंस कहती है अगर नबी नूर बन के जाए तो उसे अरबों नूरी साल चाहिए जाने आने के लिए, मेरे महबूब ने अरबों नूरी साल नहीं, एक किसे और विच कमाल नहीं, एक भी मौलवी जलाल नहीं समझ आई। इकबाल ने कहा इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन आसमां को करा समझा था मैं। कुरान ने तो अपने लफ्जों में नकार के लैलन, बस रात का थोड़ा जा हिस्सा, मुक गया मेराज का किस्सा। कुरान ने तो एक दो जबरों में मसला मुकाया, इकबाल ने आके कहा एक जस्त, फरीद ने कहा है
क्या है जो लगी ना यार तू यार दी तांग ते 40,000 जहान है एक बिलहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ते जो पैर अर्श दी छाती ते पाए किते हाय हाय जिब्रील रह गए सारी कायनात नीचे रह गई जब अर्श के सीने पर मेरे हुजूर का कदम आया अब इश्क फिरा है मैंने कहा था ना इश्क इंसान के सीने में है दर्द इंसान के सीने में है ये ऊपर वाले खाली हैं लेकिन मेरे हुजूर का कमाल ये है हुजूर जहां से गुजरते हैं वहीं भट्टियां सुलगने लगती हैं वहीं भ्रमण मच जाते हैं हुजूर जो अर्श के ऊपर पांव रखा तो अर्श के सीने में इश्क की बिजलियां तड़पने लगी और तमस्सा का अर्श में अज़िया नहीं अर्श ने हुजूर का दामन पकड़ा अर्श ने हुजूर का दामन पकड़ लिया कहा जान वाले आ तू टुर जाना है लेकिन एक लम्हे वास्ते एक कदमा की खैरात अपने तलवे के जलवे की खैरात ये पांव फिर मेरे सीने में रख ये पांव फिर मेरे सीने में रख थोड़ी सी ठंडक और पड़ सुभान अल्लाह अब फरीद की बात समझ में आती है कोठे ते चढ़ देख फरीदा घर घर पलती अब मैं समझा एक मैं उठी एक बुढ़ा सारा बच्चा सुभान अल्लाह अर्श इलाही है वहां भी दर्द है क्योंकि उस पे खड़ा एक मर्द है फरिश्ते हैं नबी हैं हजरत मूसा अलैहि सलाम छठे आसमान पे हुजूर को मिले जब सरकार से मिले मरहबा का नारा लगाया मरहबा मरहबा लेकिन जब सरकार दो आलम जरा ऊपर गुजरे हजरत मूसा आंसू पूछने लगे आंसू पूछने लगे सदाई मूसा कहीं हसद तो पैदा नहीं हो गया कहीं दिल तंग तो नहीं हुआ कहा दिल तंग नहीं हुआ रश्क आया है उम्र भी देखो ते मकाम भी देखो अब तर्जमा मैंने किया है कहा उम्र देखो कल आया है सब पे छाया है और रब ने उसे मेहमान बनाया है हमें रस्ते में खड़ा फरमाया है हमें भी समझ नहीं आया है रो के हजरत मूसा ने कहा कहा हजरत पीर वारिसा कहते हैं हजरत पीर वारिसा कहते नबियां होर ना थरत मेराज होए मेराज अफलाक कीता पाए वटे मरात पे उम्र छोटी पाए वटे मरात पे उम्र छोटी सीना पाक मलाए कांचाक कीता जिथे वहम इदराक दी पहुंच नहीं सैर नबी साहेब ओथो ताक कीता हजरत मूसा रोने लगे कहने लगे कोई 1,000 साल वाला कोई 300 साल वाला ये कल आया है सब पे छाया है और तो और इसने थोड़ा सा वक्त लगाया अल्लाह ने कायनात के अक्सर हिस्से को इसकी उम्मत बनाया और देखो इसका शर्मा समझ नहीं आया आगे पीछे हजरत यूसुफ जब सरकार यूसुफ को तो मान था ना कि हुस्न तो मेरे पास है जब सरकार गए ना
आसमान पे और हजरत यूसुफ के करीब गए, खुद हुजूर ने नीचे आके बताया, फरमाया मैं यूसुफ से मिला, उसको हुस्न का एक कामिल हिस्सा मिला है। किसी ने पूछा थे आप, उसको तो हिस्सा मिला, आप, फरमाया उसको हिस्सा मिला है, कतरा मिला है, बाकी जो समंदर है वो सिर्फ तेरे अंदर है। अब दो हसीन मिल गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सरकार को देखा, इस्तकबाल किया, मरहबा भाई मरहबा, लेकिन जब सरकार गुजरने लगे उंगलियां दांतों में कट गई, उंगलियां आया। किसी ने कहा था यूसुफ देखे ना मेरे हजूर को तो आईना तोड़ दे, यूसुफ मेरे हुजूर को देखे तो आईना तोड़ दे, मूसा देखे तो कोह तूर पे जाना छोड़ दे। आज यूसुफ ने मेरे हुजूर को देखा, बन ठन के जो महबूब आया, सरेकी जुबान में शायद इसी इलाके का कोई बंदा है, वो कहता है तेरे हुस्न इकबाल को देख कर ही खड़ा यूसुफ आके यूसुफ बिल्कुल इसी इलाके का आदमी है, कहते हैं यू हा यूसुफ सोना बेशक, हा यूसुफ सोना बेशक, ओ मां किनान दा यूसुफ, ओ यूसुफ मिस्र दा शहजादा, तू आली शान दा यूसुफ, ओ यूसुफ सिर्फ लैखा दा, तू जुमल जहान दा यूसुफ, ओ यूसुफ सिर्फ अखियां दा, तू दीन ईमान दा यूसुफ। देख लेती जो जुलैखा भी तेरे चौबन की पबन, उसने यूसुफ को तसद्दुक में उतारा। आज मेराज की शब नबी हैरत में है, रसूल समंदर हैरत में गुम है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस शान से जा रहा है, और फिर जब जाने वाला जाने वाला महबूब को मैंने कहा ना का बताओ सहने आओ अदना, जब उसने मुतलक मुतलक बेहद बेहद मुतलक, और फिर दीदार हुआ, सूफिया कहते हैं कि उसने मुतलक ने कहा आने वाले मेहमान एक बात बता, तूने मेरी इस बज़्मे कायनात का दूल्हा देखा है। हम कहते हैं ना शबे असरा के दूल्हा पे दायम करो, दूल्हा से इतना कह दो, खुद उसने पूछा कहा मेरी बज़्मे हस्ती का दूल्हा देखा है, सरकार कहते हैं मुझे पसीना आया, वहां से तो मुझे बुलाया, यहाँ कोई और छुपा है, तो समझ नहीं आया, जाहिर है इस पहर किसको समझ आता, इस पहर तक दो और दो चार रोटियां ही याद आती, ऐसे ही समझ लेना जैसे आपने मुझे बुलाया, जब मैं उच्च शरीफ में आया तो मैंने जो टेलीफोन खड़काया पता वापस ये आया कि स्टेज से ते होर बैठे ने, मैं क्या वाह उठे ते मैंने बुलाया, स्टेज से किसे होर नु चढ़ाया तो फिर मुझे भी पसीना, तब ये अब आया, जाहिर मैंने जोर लगाया ऐसे थोड़ी तो पसीना आया, लेकिन अदब की वजह से मैंने होंठ पे बिल्कुल एक लफ्ज भी मैं न लाया, उसने फिर फरमाया आने वाले मेरी बज़्मे कायनात का घोट लाड़ा वन्ना नौशा नड्डा देखा है, हुज़ूर फरमाते मैं सिमट गया हया से शर्म से, उसने फिर क्या किया, इमाम शारानी कहते हैं रब ने अपनी रबूबियत की पहले बरसा जलवा, फिर रहमत का जलवा, फिर करीमी का जलवा, फिर सत्तारी का जलवा, फिर गफ्फारी का जलवा, जितनी सिफात के जलवे सारे डाले, यहां तक के जाति
सारी जलवा पूरा सजाया बनाया अपना सारा रंग चढ़ाया फिर फरमाया अपने आप नुक्ता कौन मजा अपनी जात दा जग सारा जग वक्त कल्ले ही वक्त आख इथे रख गए थे कुछ और थे पलट के आए कुछ और थे जब सारे जलवे में नहलाया हर ताज सजाया पहले कम सोना था नहीं समझ आया ओए बेरंग जेढ़े रंग दा बहवेस पा लगदे मिठा हुस्ने अजल कर नौज बल विच हर हर तरह लगदे लेकिन ये तो पहले ही हसीन कोई शबाब विच हा ते शोरे पाचर निकाब विच हा गुजर के लाशें दे ठेल लई गए अजन तक कातिल ही जा हसीन कोई शबाब विच हा ते शोरे पाचर निकाब विच हा गुजर के लाशें दे ठेल लई गए अजन तक कातिल ही जा मुंह तू पर्दा लावे माही जग में चकाली रात आज जो उसने बनाया सजाया नहलाया फिर फरमाया अपने आप नफ्सिक मेरे महबूब अपने आप को देख सरकार कहते मैंने जो अपने आप को देखा तो हमी जलवाए जाना निकले हमी जलवाए जाना निकले महबूब हम आप थे दूल्हा हम आप थे बज़्मे कायनात का लाड़ा मैं आप था बज़्मे कायनात का नड्डा मैं आप था नौशाए बज़्मे जन्नत मैं आप था वाह अब यहाँ कुरान में तो फ़ाओहा इला अब्दही माओहा सजा के बना के सवार के फिर गल की जो कोई आखे ना उसने उससे बात की बंदे दे कान खड़े हो जाने फिर की बात की कुरान तो पूछो की बात की क्या बात की कहा मा ओहा तू विच टंग ना अड़ा तैनू की ये मैंने मफहूम अदा किया है माओहा पहले का फाओहा इला अब्दही अपने बंदे से अपने प्यारे से बात की क्या बात की कहा माओहा तैनू की है कोई माई का लाल मुझे बताया क्या बात की उसने खुद जो कहा माओहा तुझे क्या जो चाह वो बात की मैं जानू और वो जानू अगर एक बात वो बता देते तो फिर तो लिमिटेड हो जाती उसने कहा संगल्ला कीतिया माओ जो भी कीतिया कानू की तुम्हारी औकात क्या है तुम हमारे बीच में दखल क्यों दो तुम बीच में क्यों आते हो हम जाने जिसको चाहेगा बता दे जितना चाहेगा उतना बता दे माओ फिर बाद गल्ला निकल पैदा और खुल जाओगे दो चार मुलाकातों का जिसका जितना सीना था उसको उतना उतना यार ने अता फरमाया बाद वालों ने आके बताया कि मुझे ये बताया मुझे ये बताया वो बिलाल का मौसम जो आया तो हजूर ने बिलाल के ऊपर से पर्दा उठाया फरमाया जब मैं जन्नत में आया दूल्हा जब जन्नत में आया मियां खड़ी वाले ने कहा सै सिंगार किते सब होरा ते मंगल गामन खलियां अज जंजा दा लाड़ा आया जंज दा नहीं जंज हेक हुंदी है जे होण ना जंजा कितनिया जंजा कितनिया जंजा जंजा पोतियां ने लाड़ा एक के जंज मक्के दिए चाहे मदीने दी चाहे अर्श दी चाहे फर्श दी लाड़ा एक के एक दी दम दम
ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੂਟੂ ਕਰ ਜਾਣੇ ਕਾਫਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਮਕਨਾ ਤੀਸ ਤੇ ਲੂਹੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਹੁੰਠੋ ਲੜਦੀ ਛੇਕ ਹੈ ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਸੁਜਣ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮੁਸਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਨ ਚਾਰ ਦਾ ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਲ ਮਲ ਰੱਖੋ ਗਲੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ जन्नत में जो लाड़ा आया तो खुद बतलाया फरमाया मैंने जो कान टिकाया आगे चूतों का खिसकार आया मैंने कहा मुझसे भी पहले कोई आया तो अगले उन्होंने बताया ये जो खिसकार है इसको तुझसे प्यार है ये बिलाल तेरे ही तो यार है ये शान है खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा बात हुई और बात हमारी हुई कहते हैं सरकार का दिल जरा सा घबराया कि मुझे तो इतनी बुलंदी पे पहुंचाया पता नहीं मेरी उम्मत का ये पहली हस्ती है इतनी बुलंदी पे जाके हमें नहीं भुला वरना आपको पता है बंदे रहीम यार खान से लाहौर तक जाते जाते सब कुछ भूल जाते हैं मनसब बदल जाए तब भूल जाते हैं मंजिल बदल जाए तब भूल जाते हैं शहर बदल जाए तब भूल जाते हैं आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाए ये निजाम है दुनिया का लेकिन सदके थे मदनी मेरे जो याद अल्लाह तो धड़कनों पे नजर रखता है कहा मुझे मेरी इज्जत की कसम ये माँ आहा है मुझे मेरी इज्जत की कसम जब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा कोई नबी जन्नत में नहीं जाएगा मुझे मेरी इज्जत की कसम है जब तक तेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी कोई उम्मत जन्नत में नहीं मौला ये है जन्नत के काबिल ये है जन्नत के काबिल तो फौरन सजा दी कहा तेरी उम्मत की गलतियां हैं मेरी कजा से बख्श दूंगा अपनी रजा से कोई पूछ सकता है खुदा से मेरी उम्मत की गलती है मेरी कजा से तकदीर कजा से बख्श दूंगा अपनी ये भी सुन रख महबूब तेरी उम्मत नेकी की नियत करेगी नियत करेगी नेकी नहीं करेगी नेकी लिख दूंगा एक नेकी करेगी दस लिखूंगा बुराई की नियत करेगी नहीं लिखूंगा ये फिर बराबरी ते ना अदल ते ना हो बुराई की नियत करेगी नहीं लिखूंगा बुराई कर लेगी इंतजार करूंगा इंतजार करूंगा शायद तौबा कर ले और अगर तौबा ना की तो एक का एक लिखूंगा एक का एक लिखूंगा मौला ये करम किस लिए है फरमाया यार को बुलाया है यार से भी प्यार होता है यार के यार से भी प्यार होता है यार भावे पुरवार होता है यार भावे पार होता है लेकिन प्यार फिर भी प्यार होता है बस आखिर में इत्तेफाक से मेरे दिमाग में पुरवार पार से यहाँ की बात आ गई वो कहते हैं कि जे पार वे नहीं जे पार पे नहीं ने तू एता दस कुरवार वाले दा क्या बात सुभान अल्लाह यह है वनज मेजा हवा जे पार पे नहीं ने तू एता दस कुरवार वाले दा क्या बनसी
तू उठवन रहसे तू त्रै तू इत रोज दीदार दा क्या करसे ते जना वापस वलसे आए मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ समझ जना वापस वलसे घर अपने वल पार वाले दा क्या बनसे सुभान अल्लाह क्योंकि तू तो जहां जाता है आग भड़क उठती है जना वापस वलसे घर अपने हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने नबी का जिन्होंने न यहाँ भुलाया न वहां भुलाया और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरे मुल्क में इस तरह किसी ने रजब को नहीं मनाया। मैं पहले कह रहा था किबला उन्होंने मुझे फिर लुक्म अता फरमाया उन्होंने कहा तेरे पैदा हो तो पहले ही ना ले जश्न इस तरह मैं जानता पूरी दुनिया में उच्च शरीफ में जो रज भी है मैं खुद हैरान था मैं कभी होता है लेकिन इंज बरसाता मैं कितने नहीं देखी चौथा रोज बड़े बड़े कराची है लाहौर है पिशोर है पता नहीं कहां होर है लेकिन उच्च का अपना कौन और मैं किबला गिलानी साहब इनकी सूरत मुबारक को देख के देखा मैंने इन्हें याद मुझे कोई और आया अल्लाह जानता है फारसी में कहते हैं ऐ गुल बातो खुरसंदम तू बूए कसेदा महताब को देखो तो आफताब याद आता है कमर को देखो तो शम्स याद आता है मुझे मेरा दिल वैसे छोटा सा है लेकिन अब ऐसे समझो किलो का हो गया है इनको तक के फिर सब कपड़ा इनके गले में ये भी किसी की निशानी है इसके पीछे मेरा अब्दुल कादिर जिलानी है इसलिए साईं अपनी नगरी आप वसा तू पट अंग्रेजी थाने ये नगरी तो आपकी आप यहां बैठे बड़े प्यारे लगते हैं सोने लगते हैं आप सदर पाकिस्तान बन जाए आपकी इतनी इज्जत नहीं आप यहां बैठे लोग देखें आपको याद कोई कौन कहता है कि खुदा भूल गए कल ही देखा था तुझे के खुदा अभी उच्च शरीफ के ये सादात जो है इनकी इनकी खिदमात है कहते जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ाया हूं कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद कर मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था उम्र में कच्चा था फितरत का थोड़ा सा अच्छा बिल्कुल मैं कच्चा सा था मैं निकला गया समझ मुझे मैंने हुजूर हजरत शमसुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ज्यारत की थी और मैंने ज्यारत पता है कहां की थी टूटे हुए मकान थे आप अपने फकीरों गरीबों के यहाँ आए तो वो झोपड़े नुमा मकान थे लोगों ने कहा उच्च शरीफ वाले सोने पीर आए हैं मर्द भी औरतें भी बच्चे भी पक्के भी कच्चे भी तो आज मुद्दत के बाद ख्वाब में आए थे जाने जान अफसोस के हफ्ता वक्त ने बेदार कर दिया मैं हजूर अहले उच्च को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस जमात के सोच को भी ये जिन्होंने यानी चाहे फयाज साहब हो चाहे यासीन साहब हो चाहे ये जितनी तंजीम है उच्च को भी सलाम और उस लगने वाले सोच को भी सलाम बल्कि सब कुछ को सलाम और मेरी सारी तकरीर आपके नाम वस्सलाम वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।